module 105 in consumer behavior we are going to study the consumption over time up till now we have studied that the consumer is going to have various decisions related to its consumption behavior when he is having all type of the information related to the market prices or the commodity and he is having the preference but what we have studied that was particularly related up to the one time frame but this situation it tells that sometime consumer is facing a situation when he has to decide that how much he has to consume today and how much he has to consume tomorrow but here this tomorrow is might be just after one day or this can be after more time after one month but mostly if we divide the time we can say that what will be the consumption of the consumer today or what will be the consumption of the consumer after one year so if the time it can be divided into some discrete units or these discrete units can be very small and can be very large but here in this example we mostly are going to take just one annual gap so if the consumer is going to decide between the two consumption pattern or the situations नाओ हाउ ही विल एलोकेट द रिसोज अब जब हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस की बात करते हैं तो हमें पता है कि कंज्यूमर के जो रिसोर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकम है सो टू अटेन दिस कन्ज़म्पन अब उसकी अपने रिसोर्स को वो इन बिटवीन ऑफ द कमोडिटीज़ तो करता ही है अब उसको उन कमोडीज़ के बंडल की कंजम्पशन को ओवर द टाइम पर जाना है मीन्स एक कमोडिटीज़ का बंडल है जिसपे वो आज खर्च कर रहा है और इसी तरीके से वो कुछ चीज़ें फ्यूचर में अगर रख रहा है आफ्टर अ ईयर तो उसको उसकी अपनी इनकम का कितना शेयर वहाँ रखना है अब अगर हम देखें तो जो वो आज खर्च कर रहा है तो उसको हम उसकी करंट कंजम्पशन कहें और जो वो फ्यूचर के लिए रख रहा है तो हम कहें कि वो उसको लैंडिंग कर रहा है या अदर फॉर्म में हम उसको इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं तो अगर वो जो उसने फ्यूचर कंजम्पशन में रखा या लैंड किया तो उसके नतीजे में उसकी करंट कंजम्पशन डेफ़िनेटली कम हो जाएगी क्योंकि उसने अपनी टोटल कंजम्पशन का जो असेसमेंट है वो अपने एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के तहत ही करनी है तो अगर वो आज ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो फ्यूचर के लिए कम रखेगा और अगर वो फ्यूचर में लैंडिंग के लिए ज़्यादा लेके जाएगा तो उसके लिए आज हमारे पास कंजम्पशन के लिए रिसोर्सेज कम रह जाएंगे सो नाओ कंसिडरिंग दीज टू टाइम सिचुएशंस अब हम उसका असेस कर सकते हैं कि इन दो टाइम फ्रेम्स के दौरान अब वो इनकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सिस करते हुए अपनी कन्जम्पन को कैसे असेस करता है अब अगर हम देखें तो इसके लिए पहले हमें कुछ एजम्पशन देखनी होंगे और वो एजम्पशन में हमारे पास ये है कि ये जब उस एक मूवमेंट ऑफ कंजम्पशन पैटर्न पर वो चल रहा है तो इट मीन्स कि हर पीरियड ऑफ टाइम जिसको वो डील कर रहा है कंज्यूमर उसको उससे रिलेटेड की जो प्राइस हैं वो उसको गिवन होनी चाहिए और जो कंज्यूमर जो स्पेंड कर रहा है अपने कंजम्पशन बजट को वो दोनों कंडीशन में उसको ऑप्टिमली कंज्यूम कर रहा हो एजम्पन टू कहती है कि देयर आर ओनली टू टाइम पीरियड्स मीन टाइम ज़ीरो और टाइम टी वी कैन से एंड टाइम वन अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको टी नॉट और टी वन से डिनोट कर सकते हैं और जो इंडिविजुअल है वो अपनी टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इन ही दो टाइम पीरियड्स में खर्च करा है और अगर हम यहाँ पे देखें तो थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट हम एम्प्लाई करते हुए ये कहेंगे कि वो अपनी इनकम को कहीं पर भी सेपरेट नहीं रख रहा है वट एवर ही इज़ हैविंग ही इज़ यूटिलाइजिंग आइदर फॉर टूडे आइदर फॉर फ्यूचर और आइदर फॉर ऑन बोथ ऑफ दिस टू कंजम्पशन थर्ड अजम्पन इट पर्टिकुलरली टेल्स अस दैट कंज्यूमर फेस इज अ परिव कैपिटल मार्किट और ये परफेक्ट कम्पैटिटिव कैपिटल मार्किट ये कहती है कि देयर इज ऑलवेज अ गिवन प्राइस फॉर बोरोइंग एंड लैंडिंग विच इज़ यूजली एक्सप्रेस एज एन इंटरेस्ट रेट आर अब अगर हम यहाँ पर देखें कि वो जो भी इनकम आज अगर खर्च नहीं कर रहा और उसको वो फ्यूचर के लिए रख रहा है तो यहाँ पे चूंकि कंज्यूमर को अपनी उस सेविंग को या वो पोर्शन ऑफ इनकम को जो वो आज कंज्यूम नहीं कर रहा उसको कहीं ना कहीं जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना है या रखना है तो उसके ऊपर जो कैपिटल मार्केट में ही इज़ हैविंग अ प्रोबेबिलिटी टू गेट सर्टन इनकम और उसी तरीके से अगर वो आज बहुत ज़्यादा कहीं से और लेके इस्तेमाल करें तो उसको हम बारोइंग की फॉर्म में लेंगे तो इन दोनों का जो एक प्राइस है वो उसको पे करना होगी तो वो प्राइस ऑफ प्रीमियम जो आइधर वो ख़ुद ले रहा है जब उसको वो लैंडिंग करता है किसी को या अगर वो बारो करता है तो दूसरों को दे रहा होता है तो वो दैट विल बी द आर और ये कंपेटेटिव मार्केट में फिक्सड होगा तो वो इसलिए कि देयर कैन बी द वेरियस अदर सिचुएशन तो कैपिटल मार्केट के हमें कंपेटेटिव लेना होगा अब इसी सिचुएशन को देखते हुए अगर हम कहें कि फिर कंज्यूमर ने ऑप्टिमाइज करना है तो उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए

ओवर द कम्बीनेशन ऑफ करंट एंड फ्यूचर कंजम्पन एक्सपेंडिचर वो एम नॉट अर एम वन में होगी और दैट मस्ट बी सेटिस्फाइंग ऑल द अजम्पन्स जो कि हम मुख्तल अपने कंजम्पशन पैटर्नस में बनाते रहे हैं मीन्स कंज्यूमर शुड भी रैशनल और कंज्यूमर रैशनल होने के साथ साथ अपनी तमाम की तमाम इनकम को ओनली उन दो कमोडिटीज़ uh, के ऊपर यूटिलाइज कर रहा होगा और ये वाली सिचुएशन में वो कॉर्नर सोलूशन पर नहीं जा सकता मीन दैट कैन नॉट बी कि वो सारी आज खर्च कर रहा है या सारी फ्यूचर में कर रहा है क्योंकि अगर हम कॉर्नर सोलूशन पे होंगे तो इस सिचुएशन में हम इस टाइम फ्रेम के तहत उसकी कंजम्पशन को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे एंड देयर इज ऑलवेज अ फिजिबल सेट अब ये फिजिबल सेट उसका कॉन्स्ट्रेंट है तो अगर कॉन्स्ट्रेंट की हम बात करें तो कंज्यूमर इज एन डाउट विद एन इनकम अब वो जो इनकम है वो टाइम स्ट्रीम की फॉर्म में उसको मिल रही है इट मीन्स देयर इज वन इनकम जो उसको आज अवेलेबल है दैट इज़ एम नॉट और वो इनकम जो उसको टाइम वन में अवेलेबल होगी दैट विल बी एम वन और जो प्रॉब्लम जो है वो अब हमारे लिए जो हमारे सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि एट लीस्ट वन ऑफ दीज शुड बी पॉजिटिव और मोस्टली क्योंकि ये जो हमारी इनकम की अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को हमें इसमें डील करना होगा एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट देर इज वन ग्राफ जो अब हमें एक्सप्लेन करता है कि देर इज द टोटल वेल्थ ऑफ ए कंज्यूमर अब ये वेल्थ हम इस वो हमें कहते हैं बिकॉज ही इज हैविंग ऑल द रिसोर्स अलॉन्ग विद हीम और उन रिसोर्सिस को उसने दो टाइम फ्रेम में लेके चलना है जिसमें वो तमाम की तमाम अपनी इनकम को अगर आज यूटिलाइज कर रहा है तो अलॉन्ग एक्स एक्स और अगर वो सम फ्यूचर टाइम पे यूटिलाइज कर रहा है तो दैट विल बी एम वन जिसमें उसके पास उस टाइम स्ट्रीम में इनकम की स्ट्रीम जो है वो एम वन है एंड कीपिंग इन व्यू देश अगर हम देखें तो इन दोनों टाइम फ्रेम के दौरान में जो चेंज ऑफ इनकम आती है मीन चेंज ऑफ एम वन बाय चेंज ऑफ एम नॉट तो हमारी लैंडिंग और बारोइंग के दरमियान जो रेट है वो वन प्लस आर है अब अगर जो यहाँ पे आर है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये डिपेंड करता है अगर हम चेक करें कि टाइम वन में मीन्स एम वन में जो उसके पास इनकम होगी दैट विल बी इक्वल टू एम नॉट इन टू वन प्लस आर और या अगर हम कहें तो दिस वी कैन से दिस इज एम नॉट इन टू एम नॉट प्लस एम नॉट मल्टीप्लाई बाय आर इन दिस फॉर्म वी कैन एक्सप्लेन दिस तो दिस गिव्स अस द स्लोप और जो स्लोप ऑफ दिस वेल्थ लाइन है ये हमारे पास आती है डी एम वन बाई एम नॉट एंड इज इक्वल टू वन प्लस आर अब ये जो वेल्थ लाइन है ये हमें मार्केट एक्सचेंज की अपॉर्चुनिटीज बताती है कि उस मार्केट एक्सचेंज की अपॉर्चुनिटीज में अगर कंज्यूमर ये अंडरस्टैंड करता है कि इन द फ्यूचर वो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही विल बी वेल ऑफ और उसको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो वो उस इंटरेस्ट रेट के तहत ज्यादा चीजें जो है वो एम वन के लिए रख देगा और आज कम लेगा और अगर इफ दिस विल बी सिचुएशन तो अगर हम यहाँ पे देखें तो चूंकि ये सिचुएशन होगी लैंडिंग की तो वी कैन से बाई लैंडिंग कंज्यूमर कैन मूव टूवर्ड लेफ्ट वर्ड और वो लेफ्ट वर्ड होने की फॉर्म में अब हम अगर देखें तो हमारे पास उसका ये वाला बजट लाइन या ग्राफ आता है और उसकी वजह से अगर हम देखें तो ये फ्लैटर होता चली जाती है क्योंकि उसकी स्लोप इस फॉर्म में आ जाती है एंड लाइकवाइज अगर हम देखें कि अगर वो बारो करता है तो वो लेफ्ट वर्ड को मूव करके तो वो जो है वो अपवर्ड की तरफ उसकी स्लोप होती चली जाएगी अब अगर इसी सिचुएशन में हम देखें कि जो वी नॉट के ऊपर जो ईच पॉइंट है रिप्रेजेंट करता है साइमल्टेनियसली अ कंजम्पशन टाइम स्ट्रीम एंड अमाउंट ऑफ और लैंडिंग जो है इन ईयर टी नॉट जो है हमारे पास एंड क्रॉस पंडिंग रीपेमेंट जो है वो हमें मिलनी है ईयर वन में तो इसी फॉर्म में अगर हम चेक करें तो अगर कंज्यूमर को एक पॉइंट से दूसरे में अगर हम मूवमेंट पे देखें तो ये उसका पॉइंट वी नॉट है ये उसका पॉइंट वी नॉट के साथ वी प्राइम है और अगर वी डबल प्राइम को अगर हम देखें तो दिस इज जस्ट द शिफ्ट ऑफ दैट इनकम तो दो पॉइंट्स को हम अगर देखें तो जो एम पॉइंट है ये चेंज इन लैंडिंग की प्राइस में जब उसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है ये उसके हवाले से है लेकिन अगर उसकी टोटल वेल्थ को हम बदलें तो देन जस्ट जैसे हम इनकम की बात करते हैं तो देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके दोनों इंटरसेप्ट चेंज हो जाए और उसी हवाले से हम देखते हुए यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में नाओ द कंज्यूमर कैन डिसाइड द वेरियस ऑस्पेक्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो चेंज इन एम नॉट हमें यहाँ से नजर आएगा और अगर चेंज इन एम वन की बात करें तो यहाँ पे हमें वर्टिकल फॉर्म में नजर आएगा तो लैंडिंग के फॉर्म में हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है अगर उसकी जो लैंडिंग के रेट में अगर हम देखें तो वो मूवमेंट जो है वो एक्स एक्सिस पे होगी और उसी तरीके से अगर एम वन मेन इंटरेस्ट रेट हाई हो जाए तो वो उसकी मूवमेंट ऑन वर्टिकल एक्सिस अपवर्ड होगी अब इसी तरीके से अगर हमने एक सिंगल क्लास भी उसको देखना हो कि जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का तो स्लोप ऑफ द वेल्थ लाइन के तहत हम देखते हैं अब अगर हम देखें तो ये कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व है जब वो दो टाइम फ्रेम्स के दरम्यान में मूव कर रहा है और जो उसका ऑप्टिमल पॉइंट है वो पॉइंट एम हमारे सामने आया तो दिस इज द स्लोप ऑफ दैट इंडिफरेंस कर्व व्हेन द कंज्यूमर इज इन डिफरेंट बिटवीन द टू टाइम फ्रेम और इस इंडिफरेंस कर्व की जो रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज है दैट इज़ इक्वल टू यू नॉट बाय यू वन एंड वेयर यू आई इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पीरियड आई कंजम्पशन विद रेफरेंस टू द अदर तो अगर हम इस हवाले से देखें तो ये हमारे दो टाइम फ्रेम्स की यूटिलिटीज की आपस में सब्सटीट्यूशन है इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर एक वन डॉलर रिडक्शन एम नॉट में होती है मीन इनकम में तो ये उसकी यूटिलिटी को कम करता है बाय द मार्जिनल यूटिलिटी यू नॉट और देयर विल बी एन इंक्रीज इन एम वन विच विल मेक द कंज्यूमर जस्ट वेल ऑफ एज बिफोर के जैसे उसकी इनकम एक एम नॉट की इनकम से कम होने से हुई है तो दिस विल बी सिचुएशन कि अगर यहाँ से हम देखते हैं कि उसकी इनकम कम हुई है तो और वो लेफ्ट साइड को मूव हुआ तो ऑन दिस फॉर्म पे उसकी मूवमेंट यहाँ से इस सिचुएशन में हुई है तो ये जो कम्पनसेटिंग इंक्रीज इन एम वन को अगर हम देखें y एक्सिस पे जो जा रही है तो इट इज डिफाइंड बाय द शिफ्ट इन द यूटिलिटी एंड वेयर द नोटेशन इट एम्फेसाइज दैट द मार्जिनल यूटिलिटीज आर u नॉट एंड u1 अब इसी फार्मूले या इक्वेशन को देखते हुए जो हमारी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस कंज्यूमर कर रहा होता है वो इस थ्योरी के जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड यहाँ से अगर हम देखें तो ये बहुत क्लियर होता है कि जो दो इनकम्स हैं एक्चुअली दे आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलरली स्लोप जो कि इंटरेस्ट पे है सो इंटरेस्ट रेट ऑफ द कैपिटल मार्केट इज द बेसिक पॉइंट दैट डिसाइड्स द डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर अगर बैंक जो ऑफर कर रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट वो आज हाई हो जाए तो कंज्यूमर विल बी हैविंग मोर फॉर द फ्यूचर और इसी फॉर्म में जब हम देखते हैं कि बैंक जब कभी अपना इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते हैं तो कंज्यूमर्स दे आर लेस विलिंग टू हैव दे आर मोर पार्ट ऑफ द इनकम इन द बैंक्स या इन्वेस्टमेंट रादर दे टू इंक्रीज़ इन द कंजम्पन तो दिस थ्योरी ऑफ द एलिमेंट्री चॉइस ओवर द टाइम ये हमारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को बहुत हद तक एक्सप्लेन करती है थैंक